हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं दोस्तों इस वाले ट्राईपोड की। ये है दोस्तों डिजिटेक की ओर से आने वाला प्रोफेशनल डीवी ट्राईपोड, जिसका मॉडल नंबर है दोस्तों DPTR880 Pro। भाई ये ट्राईपोड कैसा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो दोस्तों ये वाला जो ट्राईपोड है वो काफी मस्त लगा। 6 kg तक का दोस्तों ये जो वेट है वो उठा लेता है। जिनके पास दोस्तों DSLR कैमरा है जो कि हैवी है, इतना मतलब कि जितना इसमें मैक्सिमम जो लोड दिया गया है, अगर उतना भी है तो भाई ये आसानी से उठा लेगा। वैसे दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है वो काफी ज्यादा मस्त है। इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस ट्राइपॉड को लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बॉक्स के ऊपर जो भी ट्राइपॉड के बारे में छपा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, सारा कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग बॉक्स देखो कितना बड़ा है, और ट्राइपॉड भी भाई काफी बड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आप लोग देखोगे तो काफी सारी डिटेल दी गई है ट्राइपॉड के बारे में। जैसे गाइस, ये जो ट्राइपॉड है वो 6 kg तक का जो वेट है वो उठा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ट्राइपॉड की हाइट क्या है, 5.9 फीट, और यहाँ पर और सारी डिटेल दी गई है। तो अभी हम लोग फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई ये ट्राइपॉड कैसा है। तो यहाँ पर इस साइड में रखते हैं ताकि आपको सही से दिखे। इस साइड में हम लोग रखेंगे लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी रखने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे। ओपन करते ही दोस्तों हम लोगों को एक बैग देखने को मिलेगा। यह है दोस्तों एक कैरी बैग, जिसके अंदर हमें अपना ट्राइपॉड मिलता है। और कैरी बैग का दोस्तों फायदा यह है कि हम लोग इसके अंदर ट्राइपॉड को डाल के, मतलब कि कहीं भी ले जाना चाहें, भाई लटका के ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो भाइयों अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चैन भी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग ओपन करेंगे इधर से। और यहाँ पर अभी हमको दिख रहा है हमारा ट्राइपॉड, तो यहाँ से इसको फटाफट हम लोग बाहर निकालते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। और ये रहा दोस्तों हमारा ट्राइपॉड। अभी सारी चीजों को रखते हैं साइड में। तो कुछ ऐसा ट्राइपॉड हमें देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो पास से, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसकी हाइट, मतलब कि इसकी हाइट का आप लोग अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो। भाई ये काफ़ी बड़ा ट्राइपॉड है। मेरे पास दोस्तों पहले एक ट्राइपॉड था जो कि इतना सही था, छोटा, इसका मतलब कि छोटा ही था। अभी एक और जो कि इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे उसकी हाइट हो सकती है लंबी, हम लोग इसके जो लेग आते हैं भाई इसको निकाल के कर सकते हैं। तो अभी ये दोस्तों मेरे ख्याल से 3-4 फुट का होगा ये ट्राइपॉड, जो भी लगा हुआ है हमारा मोबाइल फ़ोन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको इसमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हाइट को हम लोग लेग की मदद से बढ़ा सकते हैं 5.9, मतलब कि लेग की मदद से 5.9 नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो हेड है यहाँ पर भी हमको ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी हम लोग इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, तब जाके भाई वो ये 5.9 इंच होगा। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, अभी इसकी हाइट को बढ़ाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले को ओपन करेंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देखो, ये जो है लेग, इसके पीछे हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दोस्तों कैसा भी सरफेस हो, मतलब कि कैसा भी फ्लोर हो, वहाँ पे ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इसकी जो हाइट है वो बढ़ाते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे और यहाँ से एक और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों इसकी हाइट आप लोग देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने अपने ट्राइपॉड को यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अभी दोस्तों मोबाइल को हमें ये पास में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक काफ़ी लंबा सा हैंडल देखने को मिलता है, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा जब हमें कोई सिनेमेटिक शॉट लेना होगा या फिर कैमरा को स्लोली हमें मूव कराना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये जो है भाई मक्खन की तरह मूव करता है ये ट्राइपॉड का हेड। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे भी इसको घुमा सकते हैं काफ़ी स्लोली स्लोली। और यहाँ से अगर आप लोग इसे टाइट करना चाहते हो भाई, ये टाइट भी हो जाएगा, घूमेगा नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ से टाइट कर सकते हो और यहाँ से इसको भी टाइट कर सकते हो, ताकि ये ज़्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की साइड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को कैमरा को लगाने का ये मिल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों ये लॉक भी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो ये हो चुका है लॉक। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम लोग इसको लगाएंगे ये बंद हो जाएगा। और नीचे में स्क्रू देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग इस कैमरा को इसमें दोस्तों हम लोग लगा सकते हैं, नीचे नीचे जो स्क्रू दिया गया है उसकी मदद से। फिर दोस्तों कैमरा को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसमें लगा देना है इसको, और यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा दबाना है, ठीक है। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा लॉक। और यहाँ पर दोस्तों इस ट्राईपॉड में हमें और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे गाइस ये जो ट्राईपॉड है यहाँ पर हमें बॉल देखने को मिल जाता है, वाटर बॉल आप लोग देख सकते हो, जो कि दोस्तों हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ट्राईपॉड को लेवल में रखने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग नीचे देखोगे तो ये वाला जो मूव करेगा इसको हम लोग यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ताकि मूव ना करे।
और यहाँ पर कुछ लटकाने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर हमें एक हुक देखने को मिल जाती है, जिसमें हम लोग कुछ लटकाना चाहें तो लटका भी सकते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा ट्राइपॉड हमें देखने को मिलता है डिजिटेक की ओर से। तो अभी दोस्तों हम लोग इसमें अपना कैमरा लगा के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखा दिया, देखोगे तो कुछ इस तरीके का हमें स्क्रू जो देखने को मिलता है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे तो हमारा जो कैमरा है वो हो चुका है ट्राइपॉड के ऊपर माउंट। और यहाँ पर दोस्तों देखो ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ये है लूज पड़ा है स्क्रू, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तो ये नीचे नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं ट्राइपॉड के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों इसकी हाइट को अगर हमें और बढ़ाना है यहाँ से, तो हम लोग दोस्तों हेड से भी इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे दोस्तों इसकी जो हाइट है वो जाएगी लगभग 5.9 फीट। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लोग इसको ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाते हैं आप लोगों के सामने। तो भाई देखो इसका जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है दोस्तों इसका जो हैंडल है। और कैमरा का भी दोस्तों जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बॉडी का तो कम होगा लेकिन लेंस की वजह से दोस्तों इसका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो भाई वो कुछ ऐसा ट्राइपॉड हमें मिलता है DJI 4 से, ये वाला काफ़ी सही से काम करता है और अच्छा ट्राइपॉड मुझे लगा, तो इसलिए दोस्तों मैंने बाय करा। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।